हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं रोहित शेट्टी भाई साहब से पूछना चाहूंगा कि आपके लिए क्या बॉलीवुड में जो बड़े पर्दे पे आप पुलिस की वर्दी वाली मूवीज लेके आ रहे थे वो क्या कम पड़ गई थी, जो आपको ओटीटी पे भी इंडियन पुलिस फोर्स जैसी मूवी लेके आनी पड़ गई। मतलब भाई साहब, इसने तो हदी कर दी, पर बड़ा पर्दा तो बड़ा पर्दा, छोटे मोबाइल में कोई नहीं छोड़ा इन्होंने। देखिए गाइस, अभी इंडियन पुलिस फोर्स करके ये ओटीटी पे 19 जनवरी को वेब सीरीज रिलीज कर रहे हैं, लेकिन गाइस इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने कभी पहले किसी मूवी में देखा नहीं हो, या फिर स्टोरी कुछ घुमावदार मतलब कि वेब सीरीज टाइप लगी हो। देखिए गाइस, इसमें सबसे पहले राजपथ का सीन दिखाया जाता है, और अगले पल राजपथ यानी दिल्ली, ऑलरेडी पहले से गोवा में उन्होंने मूवी बना रखी है, मुंबई पुलिस पे मूवी बना रखी है, तो उन्होंने सोचा अब किसको पकड़े, तो दिल्ली पुलिस को पकड़ के इन्होंने एक मूवी बनाने की सोच ली। तो यहाँ पे राजपथ के बाद हमें पता चलता है कि ये कोई बम धमाके हुए हैं जिसकी पुलिस तहकीकात कर रही है, और उसमें ये पता लगाने की कर रही है कि ये किसका मास्टरमाइंड कौन है। तो यहाँ पे एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है, मतलब कि सारे लोगों को खड़ा करके सिद्धार्थ मल्होत्रा जी ब्रीफिंग दे रहे हैं कि भाई साहब ऐसा ऐसा हमला हो गया है, उसको पकड़ना है, और एक चेहरा है जो अननोन है, जिसको चेहरा कौन है उसको पकड़ना है। बस सस्पेंस इसमें यही है कि जो विलन है उसका चेहरा नहीं पता है, वो कौन से संगठन से है वो नहीं पता है, लेकिन किया है उसने ये पता है। तो अगले ही पल हमें थोड़ा एंट्री वेंट्री दिखाया जाता है, सिद्धार्थ मल्होत्रा बड़ी सी गाड़ी से उतरते हैं, और एक ही सीन को गाइस, ये का ट्रेलर जब शुरू होता है उसमें तीन चार सीन में अलग अलग घुमा के एक बार सिद्धार्थ मल्होत्रा का चेहरा दिखा दिया, एक बार बिल्डिंग के बाहर का चेहरा दिखा दिया, और एक बार इनको मस्टर करके ऐसे लाइन में खड़ा करके इनका फोटो दिखा दिया कि भाई तुम फोटो फ्रेम अच्छा आ जाओगे। ये किया क्या है शुरू के एक मिनट, तो उसके बाद में धीरे धीरे शिल्पा शेट्टी जी की एंट्री होती है, उसके बाद भाई साहब विवेक ये मतलब ओबेरॉय और ये एक बड़ा सा पहलवान, इनकी एंट्री करा के थोड़ी कॉमेडी टाइप के सीन बनाने की क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है। यहाँ पे दिल्ली मेट्रो का सीन दिखाया जाता है, पीछे से हनुमान जी विराजमान है। उसके बाद में ये एक हाई लेवल मीटिंग होती है जिसमें डिस्कस होता है कि भाई इतने लोग हैं, ये टीम बनाओ और उसको ढूंढो। तो ढूंढने के लिए क्या करते हैं, उसको अभी और लोकेशन पे ये जाके सर्च वारंट करते हैं, मतलब कि ये कभी बोट में बैठ के जा रहे हैं, कभी ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, कभी फॉरेन लोकेशन भी दिखाई गई है कि ये, मतलब कि ये बड़ा विजन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाइल्ड एरिया में ये नेटवर्क फैला हुआ है और इनकी गैंग फॉरेन में भी बैठी है, उनको ढूंढने के लिए विदेश की धरती पर भी जाकर उनको काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर ये भी दिल्ली का एंगल लग नहीं रहा है मेरे को, हो सकता है ये तो फॉरेन का हो या फिर इंडिया की किसी और कंट्री और इंडिया किसी और स्टेट की लोकेशन हो। तो मतलब कि ये जानबूझ के स्टोरी को फैमिली के एंगल से या फिर बड़ा एरिया दिखाने के एंगल से, टेररिस्ट का ग्रुप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इस एंगल से दिखाने की कोशिश करने की कोशिश करी गई है, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा, बहुत ही घटिया सीरीज जाने वाली, कोई कुतिया भी नहीं देखेगा इसको। 19 जनवरी को रिलीज हो रही है, और यहाँ पे देखिए शिल्पा शेट्टी का एक्शन पतली सी दुबली सी, ना इसमें एक्टिंग बची है ना इसमें कोई डायलॉग डिलीवरी बची है, फिर भी पता नहीं भाई राज कुंद्रा का बिजनेसमैन का हाथ है तो क्या नहीं हो सकता। सिद्धार्थ मल्होत्रा हालांकि ठीक लगे, देखिए गाइस अभी यहाँ पे वापस स्टोरी पे आते हैं, यहाँ पे बम धमाके दिखा रहे हैं, अभी बम धमाके के बाद में ये हमें याद भी दिखाया गया है, मेरे आई प्रोडक्शन से ये लग रहा है कि यही विलन है, इसका चेहरा दिखाया नहीं गया है, और ये बम धमाके प्लान करने के बाद में एक ऊपर किसी बिल्डिंग पर चढ़ के इसका नजारा दिख रहा है, मतलब कि उसने खुश फील हो रहा है कि मैंने यहाँ पे इतने धमाके किए हैं और ये इसने कार्यक्रम यहाँ पे बनाया था। उसके बाद मुंबई की लोकेशन भी लग रही है, ये कहीं बाहर की लोकेशन लग रही है। इसके बाद यहाँ पर एक और घटिया सीन है, यहाँ पर आप सिद्धार्थ मल्होत्रा को देख रहे हो कि रेड शर्ट के अंदर है, रेड शर्ट में समुद्र का सीन है, यहाँ पे पानी के अंदर किसी नाव में बैठे हुए हैं, और यहीं पे ये जो सीन आया था जब शुरू में ये ढूंढने के लिए जा रहे थे बोट के थ्रू, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और शिल्पा शेट्टी रेड कलर में, सिद्धार्थ मल्होत्रा है, और यहीं पर एक फाइट सीन हुआ होगा जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा को पिटाई हो रही है, और यहाँ पे जो विलन है वो अगले सीन में थोड़ी देर बाद वो सीन आता है ट्रेलर में, और यहाँ पे ये जंप कर जाता है, मतलब कि एक ही सीन को चार बार दिखाया है, और जो सुबह शुरू वाली जब ब्रीफिंग हो रही थी उसमें भी चार बार अलग एंगल से, इसमें भी वही बोट का सीन को चार बार अलग एंगल से। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक औरत रो रही है, ये मेरे को प्रोडक्शन अगर बनाऊँ तो 99% चांस है कि विवेक ओबेरॉय की वाइफ है। विवेक ओबेरॉय का एक डायलॉग था जो फैमिली के ऊपर था कि हमारे लिए फैमिली सब कुछ ऐसा करके, ताकि लोगों को और अट्रैक्ट हो कि भाई यहाँ बंदा फैमिली के लिए इतना सोच रहा था वही मर गया। तो यहाँ पर विवेक यहाँ पर शिल्पा शेट्टी थोड़ा उदास लग रही है, ये वाइफ रो रही है, और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी एक सीन में यहाँ पे रोते हुए दिख रहे हैं क्योंकि वो ऑपरेशन में उनके साथ में थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे फीलिंग्स मैच हो रही है, इसलिए रोने का एक सीन दिखा दिया, और उसका बदला फिर एक और ऐड हो जाता है कि भाई देशभक्ति का मुद्दा तो है ही है क्योंकि बम विस्फोट किया उसको पकड़ना ही है, प्लस साथ के जो बंदा है उसके उसकी डेथ हो चुकी है तो उसको भी पकड़ने की और जज्बा जगेगा और लोग बिल्कुल सस्पेंस बना के रखेंगे। सस्पेंस में ये कि लास्ट तक विलन का चेहरा आपको दिखाया नहीं जाएगा, और यही सस्पेंस बनता है आखिर तक। यहाँ पे भी कुछ फॉरेन के सीन दिखाए जा रहे हैं, फॉरेन के सीन दिखाए जा रहे हैं, और लास्ट में जो एक डायलॉग बोला है, एक डायलॉग बोला है इतना घटिया लगा है मेरे को सिद्धार्थ मल्होत्रा का कि दिल्ली का लौंडा हूँ पकड़ के लाऊंगा उठा के लाऊंगा, मतलब कि यार क्या ये कोई डायलॉग है, तुम ओटीटी प्लेटफॉर्म में पहले देख कर बना लेते कितने अच्छे अच्छे डायलॉग, कितने सस्पेंस थ्रिलर वाली मूवीज या ट्रेलर ओटीटी पे आ चुके हैं, और आप बोल रहे हो दिल्ली का लौंडा उठा के लाऊंगा, यार तुम पुलिस की लैंग्वेज है, तुम आर्मी के या सॉरी पुलिस के ऑफिसर हो, ऑफिसर की ये लैंग्वेज होती है यार कुछ भी बना के। यहाँ पे देखिए एक मुस्लिम आदमी की महिला के सामने पूछताछ हो रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम महिला को पता नहीं है कि वो उसका जो विलन है उसका नाम चेंज करके उसके साथ में रह रहा होगा, या फिर कोई रिलेशनशिप में होगा, या फिर उसका कुछ रिश्तेदार बनकर उसके साथ में रह रहा होगा और उसने वो कांड किया, तो महिला से उगलवाने की भी कहीं जगह कोशिश करी गई है। मतलब कि एक तो लोकेशन पे सर्च करो, एक उसके घर पे जाके पूछताछ करो, उसके वाइफ या उसके जो रिलेशन है उसको प्रताड़ित करके उनसे पूछताछ करो, और उसको अलग अलग लोकेशन पे जाओ और ढूंढो और वहाँ मौज मस्ती करो, और लास्ट में एक दो लड़ाई बीच बीच में जहाँ पे सर्च करने जा रहे हैं वहाँ पे लड़ाई सीन दिखा दो, और ये हो गई भाई ओटीटी पे लंबी खींच खान के चार पांच पार्ट में बनाओ, कितने पार्ट में बनाओ यार, इसको जितना खींच सकते हो खींच दो, यही होता है उसमें, और यही कर दिया उसने रोहित शेट्टी भाई साहब ने, उनको पता है कि भाई कैसे करके 7-8 पार्ट बनाने और तो खींच दो इसको 7-8 घंटे के लिए और बना दो, लोग पसंद कर ही लेंगे, रोहित शेट्टी का यूनिवर्स है, कॉप कॉप कर रहे हैं सारी जगह, लोग पुलिस को पसंद कर ही रहे हैं, तो बना दिया भाई साहब ने। तो गाइस ऐसे तो मेरे को लग नहीं रहा है कि ये इसको कोई देखेगा, फिर भी अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं अभी तक बने हुए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू, बाय।